जय श्री राम, जय महाकाल। सो गाइज, आज जो है मैं आ गया हूँ ये एक टायर की शॉप पे। देखिए, रातों रात मुझे आना पड़ा है, एकदम अर्जेंटली बेसिस पे मुझे टायर लेना पड़ा है। मैंने ऑर्डर करा हुआ था TVS का ओरिजिनल टायर ऑनलाइन, बट ये अभी शॉप पे आ गया हूँ मैं। और ये टायर किस लिए ले रहा हूँ, कौन सी बाइक के लिए ले रहा हूँ, तो आप लोगों को मैं सारी डिटेल जो इस वीडियो में बता देता हूँ कैसे कैसे क्या है। तो सबसे पहले बता दूँ कि ये जो टायर है अपने पास, ये है अपने अपाची 162V RTR के लिए। ये देख लीजिए, टायर अपने को पड़ा है 1750 रुपये का। अब मैंने पैसे देने के बाद से टायर जो है ये बाइक पे बांध लिया प्लेटिना से, क्योंकि TVS का टायर में ज़रा सा प्रॉब्लम। चलिए फटाफट से इसको चेंज करवाते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज हो गया नेक्स्ट दिन और सुबह सुबह ये देख लीजिए हम मैकेनिक के पास आ गए और ये पुराने वाले टायर को हमने बहुत अच्छे से खोल लिया। और ये रहा नया वाला टायर, ये भी सेम है जो कि 110 सेक्शन का जो आता है ओरिजिनल बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी देती है TVS का रेमोरा टायर, वही है। देख लीजिए, 5 साल का इस पर वारंटी है और 3 साल का कुछ कुछ है। एकदम ग्रिप में भी आप लोगों को सेम दिखेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और ये बाइक मैं बता दूँ, 20 मार्च 2020 की ये गाड़ी है, तो अभी अप्रॉक्सीमेटली 4 साल हो गए इसको, है ना। तो बाकी देखिए, गाड़ी में आपको कहीं से कोई स्क्रैच नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, सारी चीज़ें ओके रखी है मैंने। हम अपना क्या है कि हम बाइक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो अभी पुराने वाले रिंग से, ये पुराने वाले टायर से रिंग निकाला जाएगा और नए वाला टायर उस रिंग में डाल के फिट करा जाएगा। तो ये देख लीजिए, रिंग निकालने की प्रोसेस अब हो गई है स्टार्ट। तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा फील होता है जब एक नया टायर डालो ना बाइक में, तो एक अच्छे पीछे से अग्रेशन और थोड़ा सा हाइट फील होगा और आपको लगेगा कि हाँ भाई, स्टेबल बाइक चल रही है और ये चेन सेट तो नया डाला हुआ ही है इसमें, तो सारी चीज़ें नई हैं और मतलब बहुत एक अच्छा फील देती है। मुझे पता नहीं क्यों अपाची से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो फटाफट अंकल अब इस टायर को रिंग निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। सो लो भाई, अब ये निकल गया है रिंग टायर में से और नए वाले टायर को अंदर से अच्छे से पोंछ वोंछ के इसमें कुछ ये लुब्रिकेंट भी डाले हैं, तो अब डाला जाएगा रिंग में और इसको जो है फिट करने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। मैं तो लिटरली बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ को लेके कि हाँ भाई, चलो अब अपना काम जो है बहुत अच्छे से हो रहा है और अब गाड़ी अच्छी रहेगी। तो ये एक बात हो जाती है। और इसका टायर का गोटी और उसका गोटी जो बोला जाता है ना, टायर के ऊपर जो हमारे यहाँ गोटी बोलते हैं, शोल आप कह सकते हो, तो एकदम सेम है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। जो ओरिजिनल TVS देती है ना, प्रोवाइड करती है बाइक के साथ, वही वाला टायर हम डाल रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। ये 110 सेक्शन का है, 110/80R17 इंच के ये टायर्स हैं, 80 या 90। तो वही एक चीज़ है जो मैं बोला ना, लुब्रिकेंट लगाने वाला प्रोसेस वो हो रहा है और बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लग रहा होगा। और 1750 रुपये में ये टायर आ जाना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैंने पहले जब 2017-18 में एक बार चेंज किया था तो 2100 रुपये का पड़ा था यही सेम टायर। अब पता नहीं क्यों इस बार ये मुझे कम का पड़ा है, बट जो भी है अच्छा है। आइए देख लेते हैं। और गाड़ी तो मैं क्या ही बताऊँ, मुझे मेरा दिल ही नहीं भरता यार इससे। और ये इसका व्हील, और ये देख लो व्हील में अपना टायर जो है वो फिट होना स्टार्ट, कहीं से कोई दिक्कत ना आए होपफुली, वो सब सारी चीज़ें चेक करके। और हाँ, जब टायर आप लगाओ तो इसमें एक एरो दिया होता है जो कि घूम रहा होता है क्लॉक वाइज आगे के डायरेक्शन में, तो उसको आगे रखना है और पीछे वाले को पीछे रखना है, तो वो सारी चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ें होती है, वरना आप उल्टा सीधा फिट करा लोगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम आएंगी। सो वो सारी चीज़ें एक बार आप अच्छे से देख लो, कर लो। और मैं तो कहता हूँ कि अच्छे स्पेशलिस्ट वो टायर मैकेनिक के पास जाओ, जिसको सारी चीज़ें पता हो। अभी जैसे हम आए हैं यहाँ पे, इनको सब पता है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बस हम अपना गाड़ी ला दिए, टायर ला दिए, वीडियो स्टार्ट है और कोई डिस्टर्बेंस या कोई हिंड्रेंस नहीं है। सो बस, तो ये अब हो गया, अब देखते हैं अंकल क्या टेस्ट करते हैं क्या नहीं। थोड़ी बहुत चीज़ें अभी टेस्टिंग होंगी और फिर जो है फाइनल ये टायर अपनी बाइक में डाल दिया जाएगा। ये थोड़ा सा टायर डालने से पहले ये इसमें जो मिट्टी क्लीनिंग हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है लुब्रिकेंट डालने के बाद, ये जो भी प्रोसेस है। अब ये टायर के अंदर बाहर क्लीनिंग स्टार्ट। मतलब देखो, ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ में इसलिए दिखा रहा हूँ ना कि देखो, मुझे पर्सनली ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, किसी भी बाइक में काम होते हुए देखना, उसको ऑब्जर्व करना, सीखना। मुझे पता नहीं क्यों बचपन से ही ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है, और उस चीज़ को रिकॉर्ड करना भी एक बहुत अच्छा बात है। और मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला यूट्यूब, ताकि मैं उस चीज़ को शेयर करूँ आप लोगों के साथ भी, और आपको थोड़ा बहुत अपने बिहाफ में नॉलेज दे पाऊँ जितना मुझे है। तो वही एक चीज़ है, बाकी कुछ नहीं। और इससे ज़्यादा मतलब क्या ही चाहिए एक लड़के के
ज़िंदगी में अगर वो अपने बाइक से प्यार कर रहा है, उसके पास बाइक है, तो वही खुशी है भाई। और क्या है, ये देख लो, ये बार बार भी इसमें कुछ केमिकल या लुब्रिकेंट लगाया जा रहा है। मतलब प्रोसेस जो है वो बहुत सारी होती हैं अगर समझा जाए तो, और ना समझो तो फिर तो कुछ है ही नहीं। तो ये एक चीज़ बहुत बढ़िया निकल के आ जाती है। और ये टायर भी ना, मैं सच बता रहा हूँ, हबीब अपनी बाइक चली 28,000 किलोमीटर 4 साल में, तो 30,000 आप पकड़ के चलो। वो तो मैंने ज़रा सा बर्नआउट ये वो थोड़ा बहुत ज़्यादा कर दिया था, तो इसलिए जल्दी चला गया, वरना वो टायर बहुत अच्छे से 30,000 किलोमीटर चलता। और उसमें क्या कि पंचर वंचर भी हो गए थे, हमने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया था। और ये इसके स्पोक व्हील्स देख लो, अलॉय व्हील्स, मतलब कि क्या ही सुंदर और ख़तरनाक लगते हैं। अपाची कम बजट में ना बहुत सारी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें। मतलब मैं एक एक चीज़ इसका डिटेल बता नहीं सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ इसके बहुत सारी वीडियो है, आप लोग जाके मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो। तो ये अब टायर फिट होना स्टार्ट फिट हो जाएगा, उसके बाद से दोबारा से इसकी जो है टेस्टिंग करी जाएगी, इसमें कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है। दिक्कत आएगा तो फिर से उसको रिसॉल्व करा जाएगा, क्योंकि ऐसे टायर डायरेक्टली डाल देना ठीक नहीं होता है। उसको पहले डालेंगे, फिर एयर प्रेशर टेस्ट करेंगे, एयर प्रेशर के बाद से सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर वो डायरेक्शन देखेंगे, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज वाला जो मैंने बताया। फिर आगे की जो है प्रोसेस होगी, तो अभी ये एयर डालने का स्टार्ट कर रहे हैं अंकल। ये देख लीजिए मशीन अपना, वो स्टार्ट करेंगे ताकि टायर में एयर प्रेशर चेक कर सके। मतलब समझ रहे हो आप, बहुत बहुत अच्छी चीज़ लगी मशीन, बहुत ज़्यादा। और अब हो गया, सारी चीज़ें हो गई। एक बार अगर आपको जैसे टायर लगवाना है गाड़ी में, तो आप प्रेफर यही करो कि आपका जो ओरिजिनल सेक्शन है वही लगाओ। 110 है इसका, 90 R17, तो मैंने वही लगाया है। अलग से ब्रॉड टायर करने के चक्कर में ना जाइए। अभी जो अपाची आ रहे हैं उसमें 120 सेक्शन का टायर आने लगा है, तो मेरा मन था कि वही वाला डालूं, बट मैंने सोचा नहीं यार, जो इसमें पहले से आता था वही करेंगे। फिर उससे माइलेज पे होपफुली अफेक्ट आ सकता था, मे बी अगर आ जाता तो फिर मैं क्या ही करता। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कोई ना, अब जो है वो है, बस अब देख लीजिए। वो पुराना वाला टायर बगर में है और ये नया वाला टायर, दोनों में डिफरेंस आप खुद से देख सकते हो और आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि हाँ भाई वो किस लेवल ख़त्म हो चुका था वो टायर, वो चलाने में भी डर लग रहा था। तो लो भाई, अभी जो है अपने बाइक के टायर में प्रेशर डालना स्टार्ट, क्योंकि ये एयर प्रेशर एक बार अच्छा रहे तो ज़्यादा बेहतर है। वो आप लोग पढ़ लें, मैनुअल में पढ़ लें, मैनुअल में लिखा होता है कि कितना प्रेशर रहना चाहिए, या तो कंसल्ट कर ले या तो गाड़ी के स्विंग आर्म पे भी लिखा रहता है। तो इस पे जितना लिखा है उसके अकॉर्डिंग एयर प्रेशर डाल दिया जाएगा, कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं। थोड़ा कम हो तो चलेगा, ज़्यादा होगा तो फिर टायर्स के लिए प्रॉब्लम है, ट्यूबलेस टायर के लिए। तो अभी ये अंकल ने हवा दे दी, अब ये टेस्ट करेंगे, पानी वानी डाल के, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे तो दिक्कत नहीं होगी, नई टायर है भाई साहब, अब दिल अंदर से मेरा गार्डन गार्डन हो रहा था। अब जो है वो राइड क्वालिटी बहुत ही स्मूथ मिलने वाली है, कॉन्फिडेंस मिलेगा मुझे कॉर्नरिंग पे, थोड़ा बहुत लीन वीन करने पे, वैसे तो इससे ज़्यादा लीन नहीं करता हूँ मैं, बट हाँ जितना भी करते हैं, सीखा तो इसी पे है भाई साहब अपाची पे। तो एक अपना इस पे कॉन्फिडेंस है, बना हुआ है, और अब बाकी बस इंतज़ार है कि फटाफट से ये बाइक में डल जाए यार, मतलब वेट नहीं हुआ है मेरे से, क्या ही बोलूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, अब बाइक में डलेगी। लो भाई बाइक में डलना स्टार्ट टायर, और देखो क्या तगड़ा लुक आ रहा है पीछे से निकल के, मतलब कि हम बीस्ट दिख रही है अब ना, पीछे से गाड़ी उठी हुई लगेगी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है, जैसे बाकी लोगों का पता नहीं, नए टायर वायर डालता हूँ ना तो ऐसा लगता है बाइक पीछे से उठी हुई है और बढ़िया है, सेक्सी है, मुझे ऐसा फील होता है। बाकी सबको ही होता होगा यार, सारे जितने भी बाइकर्स हैं ना, उनके बाइक में छोटी छोटी चीज़ें इंप्लीमेंट होती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब मुझे ही देख लो, हर छोटे छोटे चीज़ में बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। बस इनको जो है थोड़ा सा डिस्क पैड ये अच्छे से लगा दें अंकल, उसमें कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि ये जो है ये मेन होता है, ये सबसे हो नहीं पाता, ये सब लोग टायर वाले हैं। ये जैसे मैं तो यहाँ पे सेट करा ले रहा हूँ, बट फिट करने के बाद से एक बार मैकेनिक के पास जाऊँगा, खोल के उससे ठीक कराऊँगा, क्योंकि देखो यार डिस्क पैड्स इधर उधर लग गए या प्लेट इधर उधर लग गया ना, तो बाद में नुकसान जो है वो मेरा ही होने वाला है। तो आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान में रखें, बस एक बार फिट इनसे करा रहा हूँ, इसके बाद जो है मैं जाऊँगा मैकेनिक से, अपने दिखा लूँगा क्या है क्या नहीं, सारे दिक्कत का जो है सोल्यूशन वो दे देगा।
ठीक कर देगा, वैसे तो जहाँ तक हो पा रही है ठीक कर ही रहे हैं। और 1750 रुपये में अब गाड़ी के जो है अपनी लाइफ वापस से 3 साल के लिए, नो टेंशन, कोई दिक्कत ही नहीं है। और मैं बता दूँ कि ये गाड़ी 4 साल की हो गई मार्च में ही, 20 मार्च को 2020 में लिया था, और अभी तक इसके बैटरी में कोई भी दिक्कत नहीं आया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है, अचीवमेंट है मेरे लिए। और TVS वालों को बहुत बड़ा थम्स अप कि पता नहीं अब वो क्या देने लगे हैं कि जो 3-3 4-4 साल तक बैटरी में कोई दिक्कत नहीं आ रहा। वरना पहले की जो अपाची होती थी 1.5 साल 2 साल में बैटरी ड्रेन सब चीज़ खत्म, तो वो एक बात है। और बाकी बस यार इंतज़ार है कि फटाफट फिट हो जाए। लो भाई, फाइनली अपने बाइक में टायर हो गया है फिट, और बहुत ही अच्छा वाइब्स आना स्टार्ट हो गया है। और अब मैं क्या ही बोलूँ, एक बार अपन टेस्ट कर लेते हैं। ये देख लीजिए, पुराना वाला टायर और ये नया वाला टायर, डिफरेंस आप लोगों के सामने है। और ये मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ और यही सजेस्ट करता हूँ कि आपके बाइक में जो भी जेन्युइन टायर दिया गया हो कंपनी, अगर वो ठीक है तो वही डाले, वो ठीक नहीं है आपको चेंज करना है तभी ब्रांड चेंज करें, वरना अदरवाइज़ ये ठीक है। मैंने TVS के टायर डाल दिए और अब बहुत सही गाड़ी जो है चलेगी। बाकी इसकी राइड क्वालिटी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है क्योंकि वही टायर है जो कंपनी देती है, बट अब मैंने जो अलग से डाला है इसमें क्या चेंजेस आए हैं, क्या ठीक है क्या ख़राब है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो ठीक है, फिर आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल।